इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के आईपीएस श्री ओम प्रकाश जाट। मिर्च पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश किसान परिवार से है और वर्तमान में श्री जाट गिर सोमनाथ में एएसपी नियुक्त हैं। श्री ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ये परेड, जिसमें सबसे पहला दस्ता 53 ध्वज वाहकों का, 53 राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सीपोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, वीआईपी सिक्योरिटी, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा सरकार की अन्य पीएसी शामिल है। और अब आ रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज, जो कश्मीर की बर्फीली चोटियां, राजस्थान के रेगिस्तान, दिन हो या रात बड़ी ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अब तक 1094 वीरता पदक हासिल किए हैं। अब अपने कदमों की धमक से शौर्य और निष्ठा का संदेश देता अग्रेसर है सीआरपीएफ का ये दस्ता। इन्हें गर्व है अपने बल के इतिहास पर, जिन्होंने सरदार के एक भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा है। अगला मार्चिंग दस्ता गुजरात राज्य पुलिस के सीधे भर्ती किए गए पुलिस इंस्पेक्टर्स, जो कि वर्तमान में गुजरात पुलिस अकादमी कराई गांधीनगर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, कमांडेंट डीवाईएसपी श्री पीडी वाघेला के नेतृत्व में। मेजबान राज्य गुजरात अपनी विकासशीलता से विश्व में बनाया है जिसने अपना एक अलग ही मकाम। वैसे गुजरात राज्य सरकार की नीतियों, आदेशों, निर्देशों का पालन कर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गुजरात पुलिस, जो कि विनम्रता से यहां प्रदर्शित कर रही है अपना आतिथ्य भाव। उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस का अश्वदल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर श्री एमएस बारूट। इस दल में 17 घोड़े शामिल हैं और यह अश्वदल वीवीआईपी सुरक्षा, पायलटिंग, दंगा फसाद, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में तैनात होते हैं। इस अश्वदल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी प्रतियोगिता में कई मेडल्स प्राप्त किए हैं और अब आज की भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हुए शाही अंदाज में हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला सीमा सुरक्षा बल का अनूठा ऊंट दस्ता अपने पूरे साजो श्रृंगार सहित आपके सामने से गुजर रहा है, जिस पर सवार है राज सी शान लिए सीमा सुरक्षा बल के रण बांकुरे, जिनके समतुल्य समूचे विश्व में अन्य कोई नहीं। और अब विविध फोर्सेस के ताकत के समान स्पेशल व्हीकल्स का प्रदर्शन, जिसमें सबसे आगे है आरपीएफ का सेगवे एएससी श्री भुवनेश आईआरपीएफएस के नेतृत्व में। सेगवे एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की प्रभावी निगरानी में वृद्धि हुई है और रिस्पांस टाइम कम हुआ है, जिससे आरपीएफ की दक्षता व उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। और अब आपके सामने आईटीबीपी का ऑल टेरेन व्हीकल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ऑल टेरेन व्हीकल, जो कि लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वाले दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र में जवानों द्वारा सीमा पर निगरानी रखने के लिए पेट्रोलिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। इस विशेष वाहन के होने से जवान न केवल शीघ्र बल्कि सुरक्षित रहकर सीमा पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और अब आ रहे हैं एनडीआरएफ, चाहे कैसी भी भयंकर आपदा हो, एनडीआरएफ की उपस्थिति मात्र राहत और विश्वास का संदेश देती है। एनडीआरएफ का सबसे पहला व्हीकल है एमएफआर व्हीकल, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बचाव टीम तथा फर्स्ट एड के आवश्यक संसाधनों व उपकरणों के अतिरिक्त कोविड-19 के बचाव हेतु पीपीई एवं सभी सामग्रियों से सुसज्जित है एमएफआर। उसके बाद है एफडब्ल्यूआर रिस्पॉन्स व्हीकल, जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू व्हीकल, बाढ़ बचाव दल एवं विभिन्न अत्याधुनिक विशेषीकृत उपकरणों, इन्फ्लेटेबल रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, डिप डाइवर से सुसज्जित, साथ ही साथ घरेलू सामग्रियों से बने इक्विपमेंट्स का यह है प्रदर्शन उप कमांडेंट श्री ए के चौबे के नेतृत्व में। अगला वाहन बीएसएफ का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल एमपीवी, डेप्यूटी कमांडेंट हितेश चंद्रा की कमान में। उग्रवाद एवं नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में एमपीवी कारगर है। 11 टन वजनी यह वाहन अपने वी आकार की विशेष बनावट की वजह से
एंटी पर्सनल तथा एंटी टैंक माइंस के साथ 42 किलोग्राम की आईईडी से भी समग्र सुरक्षा प्रदान करता है। और अब अगला वाहन एनएसजी का शेरपा ब्लैक कैट कमांडो की हाउस इंटरवेंशन टीम के दस्ते के साथ मेजर सोलास वेन के नेतृत्व में। शेरपा एक हल्का 4x4 बख्तरबंद वाहन है जो हर सतह जैसे रेत पत्थर कीचड़ आदि इलाकों में 6 कमांडोज को उनके पेलोड के साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे एनएसजी का ही मार्स वाहन जिस पर लगे हुए ड्यूअल साइड बाय साइड हाइड्रोलिक रैंप अलग अलग हाइट पर एनएसजी कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाइजेक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। और अब आपके सामने से गुजर रहा है ये वाहन जो है CRPF के बुलंद इरादों का फौलादी साथी। एनएसजी के मार्स के बाद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल CRPF से जिसका नेतृत्व 7 बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित सहायक कमांडेंट नरेश कुमार एवं प्रवीण नौटियाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह बख्तरबंद क्रिटिकल चलेगी। सीधा गोपी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत परेड गोपी जिसमें CISF CRPF गुजरात पुलिस का अश्वदल, इसके अलावा RPF ITBP NDRF SDRF NBP यानी हर कोई शिरकत यहां पर कर रहा है। राष्ट्रीय एकता का संकल्प भी और सुरक्षा का संकल्प भी। गोपी बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा ये दोनों के संकल्प के साथ यहाँ पे एकता परेड यहाँ पे की गई। आप देख सकते हैं कि देश की हर एक सुरक्षा एजेंसी सारे अपने इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे पहुंची हुई है और एकता परेड कर रही है। आप देख सकते हैं ये एनएसजी कमांडो के जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे दिखाए गए कि किस तरीके से हमारी देश की सुरक्षा की बात की जाए तो कितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे एनएसजी कमांडो तैनात है। और साथ ही अगर बात की जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो एकता दिवस का ये परेड का मौका है और इस दिन राष्ट्रीय एकता के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रधानमंत्री यहाँ से सीधा संदेश देंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की स्पीच यहाँ पे शुरू होगी और वो बताएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय एकता के लिए काम हो रहा है और साथ ही सीप्लेन सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए तब भी सीप्लेन है जो लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया माना जाएगा। अहमदाबाद से सीप्लेन दिन में 4 बार उड़ेगा और यहाँ से केवड़िया से 4 बार अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ेगा तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो लोग सुबह अहमदाबाद से निकल के संकल्पबद्ध किस तरीके से सारी एजेंसियां वो यहाँ पर दिख रही हैं इन तस्वीरों में। गोपी साथ ही साथ बताते जाइए क्या प्रधानमंत्री इसी मंच से संबोधित करेंगे। बिल्कुल नवजोत, प्रधानमंत्री इसी मंच से संबोधित करेंगे। अभी कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री की स्पीच शुरू होगी। ये जैसे ही राष्ट्रीय एकता परेड का ये कार्यक्रम खत्म होता है यही इसी मंच से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और गोपी दिख भी रहा है कि किस तरीके से जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं पहली बात कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जोश कितना है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जोश पूरी तरीके से सारे लोग यहाँ पे जोश में। और सबसे अहम मैं बताती हूँ नवजोत की ये जो पूरा इलाका है ये पूरा इलाका करीब 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। यहाँ एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता है वो एक ही है।